नमस्कार फ्रेंड्स, वेदोत्पत्ति की ओर से मैं वैद्य श्रेयस पालोड़िया आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में आप लोगों से मैं जो डिटेल शेयर करने वाला हूँ वो डिटेल है कि आपको ऑल इंडिया एडमिशन काउंसलिंग में जब एमडी का एडमिशन होता है तो कौन सा सब्जेक्ट और कौन से इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत ही जल्द AACCC वेबसाइट पे ऑल इंडिया काउंसलिंग MD MS आयुर्वेद के लिए स्टार्ट होने वाला है। मोस्टली दिवाली के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा उसका प्रोसेस। तो आपको कौन से PG इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना चाहिए और आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट सूटेबल है वो डिसाइड करने के लिए थोड़ी सी यहाँ पे मैं आपको हेल्प करता हूँ। सबसे पहले आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि रिसेंटली आयुष की ओर से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें स्पेसिफाई किया गया है ITRA इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एट जामनगर को नेशनल इंस्टीट्यूट के अंडर में कंसिडर किया गया है और उसका नेशनल इंस्टीट्यूट का जितना भी कोटा है अंडर ग्रेजुएट के 100% सीट्स और पोस्ट ग्रेजुएट के 100% सीट्स है वो उसका एडमिशन AACCC यानी सेंट्रल काउंसिलिंग से होने वाला है। अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो है MD के लिए या MS के लिए कौन सा PG आयुर्वेद इंस्टीट्यूट और कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है। तो सभी इंस्टीट्यूट को अगर क्लासिफाई किया जाए तो सभी इंस्टीट्यूट को हम 4 डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। सेंट्रल फंडेड नेशनल इंस्टीट्यूट्स या सेंट्रल फंडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसमें गवर्नमेंट फंडेड और प्राइवेट होती है, स्टेट फंडेड जो ग्रांटिंग एड इंस्टीट्यूट है और उसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी या SFI प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। तो ये चारों टाइप की जो इंस्टीट्यूट है उसमें जो कोटा है उसमें गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट यानी सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट के 100% कोटा सेंट्रल काउंसिल में होते हैं और स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट के 15% कोटा है वो सेंट्रल काउंसिल में होते हैं, रेस्ट कोटा है वो स्टेट काउंसिलिंग में चला जाता है। जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसमें से सेंट्रल फंडेड डीम्ड यूनिवर्सिटी का 100% कोटा सेंट्रल काउंसिलिंग में होता है, प्राइवेट के जो भी इंस्टीट्यूट है या डीम्ड यूनिवर्सिटी है प्राइवेट की उसका 15% कोटा सेंट्रल काउंसिलिंग में होता है। जो 4 नेशनल PG आयुर्वेद इंस्टीट्यूट है उसमें ITRA जामनगर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली और फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा पोस्ट ग्रेजुएट BHU वाराणसी, ये 4 इंस्टीट्यूट को नेशनल PG आयुर्वेद इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया है और इसके कोटा है वो सेंट्रल एडमिशन से होते हैं। अभी क्वेश्चन है कि कौन से इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको स्टाइपेंडरी सीट चाहिए जिसमें गवर्नमेंट की ओर से एक आपको स्कॉलरशिप दी जाती है जिसको स्टाइपेंड कहा जाता है, तो स्टाइपेंडरी सीट्स के लिए आपको या तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट या नेशनल इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांटिंग एड इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना चाहिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी स्टाइपेंड दिया जाता है लेकिन वो कम होता है। मेरे ख्याल से अगर आपको सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट है या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट है उसको सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद सेकंड लेवल पे जो स्टेट फंडेड स्टेट इंस्टीट्यूट है या ग्रांटिंग एड इंस्टीट्यूट है उसको सिलेक्ट करना चाहिए और लास्ट में जो भी प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस बेस्ड इंस्टीट्यूट है अक्रॉस इंडिया उसको सिलेक्ट करना चाहिए। अब कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में MD या MS का स्टडी होता है। तो 14 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में MD या MS का स्टडी होता है, जैसे कि उसमें क्लिनिकल सब्जेक्ट है काय चिकित्सा, पंचकर्म, शल्य, शालाक्य, प्रसूति तंत्र, स्त्री रोग और कौमारभृत्य एवं स्वस्थवृत्ता। नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट है जिसको रचना शरीर, क्रिया शरीर, आयुर्वेद संहिता एंड सिद्धांत, द्रव्यगुणा, रसशास्त्र, भेषज्य कल्पना, रोग निदान, विकृति विज्ञान, अगत तंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद। तो ये 14 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन
होता है, जिसमें एमडी या एमएस का डिग्री आपको 3 साल के स्टडी के बाद मिलता है। तो सबसे पहले आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो आपको सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि किसी को शल्य में होता है, किसी को प्रसूति में होता है, किसी को चरक संहिता में होता है, तो उस हिसाब से जिनको भी संहिता में इंटरेस्ट है उनको आयुर्वेद संहिता एंड सिद्धांत में एडमिशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट लेना है या नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट लेना है। दोनों में ही आपको ड्यूरिंग पीजी स्टडी ओपीडी ड्यूटीज आईपीडी ड्यूटीज ये सब रहेगा, लेकिन ये एक सोच है कि क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल स्टडी आपको सब में सब करना होता है। आपकी जो भी सब्जेक्ट की स्पेशलिटी है उसमें आपको ज्यादा पढ़ाया जाएगा, उसका वर्क भी ज्यादा आपसे लिया जाएगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, और अब उसके साथ साथ ही आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से इंस्टीट्यूट में वो सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाया जाता है या तो उसके नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा होते हैं। तो आप अपने सीनियर है, आपके टीचर्स है, या मुझसे भी आप व्हाट्सएप में या दूसरे कोई कम्युनिकेशन मेथड से मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको कौन से आयुर्वेद इंस्टीट्यूट में कौन से सब्जेक्ट का ज्यादा बेनिफिट रहेगा। जैसे कि आयुर्वेद पढ़ना है तो आपका सिलेक्शन ITRA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद या NIA जयपुर में होना चाहिए। अगर आपको मॉडर्न मेडिसिन के सब्जेक्ट्स के साथ आयुर्वेद पढ़ना है इंटीग्रेटेड वे में ज्यादातर वेटेज के साथ, तो BHU और RA पोदार मुंबई में एडमिशन लेना चाहिए। साउथ में भी बहुत अच्छे आयुर्वेद के गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, बेंगलोर का गवर्नमेंट आयुर्वेद इंस्टीट्यूट, त्रिवेंद्रम का गवर्नमेंट आयुर्वेद इंस्टीट्यूट और त्रिशूर का गवर्नमेंट आयुर्वेद। इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट आयुर्वेद इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, जिसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि आपका सबसे अच्छा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कौन सा हो सकता है। तो आपका जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसमें आपको जो ACCC की वेबसाइट है, AACCC की जो वेबसाइट है सेंट्रल ऑनलाइन काउंसलिंग आयुष की, वहां पे PG काउंसलिंग पे आप क्लिक करोगे तो उसका वेबसाइट है वो ओपन होगा, और वो वेबसाइट पे आपको एक बार दिखेगा जिसमें लिखा होगा पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक पूरा जो भी गवर्नमेंट के आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट है जो उन्होंने पिछले साल डिफरेंट कोटा से डिफरेंट वे से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, तो उसका डिटेल आपको वहां पे मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम इधर करते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज वडोदरा गुजरात ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको उसका डिटेल भी वहां पे डिस्प्ले होगा, वो इंस्टीट्यूट का कॉन्टेक्ट डिटेल भी आपको वहां पे मिलेगा, वहां पे कौन कितनी फीस है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज वडोदरा, उसका एड्रेस आएगा, उसके साथ ही उसका एनुअल ऑल इंडिया कोटा की फीस, वहाँ की स्टाइपेंड की डिटेल कितने थाउजेंड, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकंड ईयर में 32 और फाइनल ईयर में 34,000 स्टाइपेंड है। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं उसका भी डिटेल होगा, नॉन स्टाइपेंडरी सीट्स कोई अवेलेबल है या नहीं उसका भी डिटेल होगा। इसके बाद कॉलेज की वेबसाइट का डिटेल होगा, और उसके साथ साथ ही वहाँ के जो कॉन्टेक्ट पर्सन है, जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल की डिटेल दी गई है, डायरेक्टर ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की डिटेल है, और वहाँ पे जो एडमिशन का देखते हैं वो पर्सन का डिटेल भी यहाँ पे दिया गया है। इसी हिसाब से आप कोई भी इंस्टीट्यूट, जैसे कि गुरुशुकुल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट का डिटेल अगर आपको देखना है तो उस पर आप क्लिक करोगे तो उसका डिटेल भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दिखेगा। तो आपको इंस्टीट्यूट का नाम, वहाँ की एनुअल फीस, उसके साथ ही वहाँ का स्टाइपेंड और उसकी जो डिटेल है वो भी यहाँ पे दिखेगी। तो आपको ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल की वेबसाइट पे जितने भी
और डिफरेंट डिफरेंट कोटा से पार्टिसिपेट करने वाले गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उसकी पूरी डिटेल आपको वहाँ पे अवेलेबल है। आप वहाँ से अपने हिसाब से वो इंस्टीट्यूट के कॉन्टेक्ट पर्सन से डिटेल जान सकते हैं और उसका आपको उस हिसाब से उसमें एडमिशन लेने का सोच सकते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में आपके साथ जो डिटेल शेयर करनी थी वो मेन यही डिटेल थी। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अवर वेदोत्पत्ति आयुर्वेद चैनल। और आप हमें ऑल टाइप के आयुर्वेद के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में ही पीजी आयुर्वेद की एंट्रेंस के लिए भी हमारी 2022 की बैच स्टार्ट हो गई है, तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में ही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वेदोत्पत्ति के आयु क्विज एप्लीकेशन और द्रव्य निधि एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। साथ में ही फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप हमारा जो भी हैंडल्स है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू आप सभी का अगेन थैंक यू। तो ये आज के वीडियो माध्यम से हम भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन है कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दी गई है। वैद्य सुरेश कालोड़िया, 9825451215। आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके भी आपका काउंसलिंग रिलेटेड गाइडेंस हमसे ले सकते हैं। थैंक यू।